नैनीताल रोड के एक रिजॉर्ट में चल रहे अवैध कैसीनो पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली के युवक और युवतियों को पकड़ा है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई में होटल के मालिक के खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले को लेकर कि आज कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने SP सिटी हरबंस सिंह का घेराव किया। कांग्रेस विधायक ने निष्पक्ष जाँच की मांग की, साथ ही उन्होंने कहा कि BJP के जिस बड़े नेता का नाम इस पूरे प्रकरण के पीछे आ रहा है उनका नाम उजागर किया जाए। SP सिटी हरबंस सिंह ने कहा कि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। मामले को लेकर की हर पहलू को देखा जा रहा है। जो भी जांच में सामने आएंगे, तथ्य सामने आएंगे, उन्हीं के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं SSP का आज हमने घेराव करा है, तो जो डोलमार होटल है जो नैनीताल रोड में है, वहाँ पे अभी SSP साहब ने 21 लड़के और 12 बाल लड़कियों को पकड़ा था, जो कि एक सराहनीय कार्य है। उसके लिए हम सभी लोग SSP का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जहाँ पर ये कृत्य किया गया था और जहाँ पर कैसीनो चलाया जा रहा था, उसके आरोपियों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी छोटी बहन अंकिता भंडारी के हत्यारे को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। और क्या कहते हैं, वैसे ही जैसे उसका आरोपी कोई VIP है, मेरे को लग रहा है कि इसका भी कोई VIP होगा। और जिसको सरकार ये कांग्रेस विधायक माननीय सुमित हृदयेश के अध्यक्षता में कांग्रेस के लोग आए थे यहाँ पर, उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है ये इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर विवेचना में ऐसे तथ्य सामने आएंगे तो किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, और सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस ने ये बहुत अच्छा काम किया है, जो वहाँ पर कैसीनो चल रहा था उसको पकड़ा है, और पुलिस निष्पक्ष होकर और बिना किसी दबाव के, पुलिस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। हम तो धन्यवाद देने पहले आए थे कि आपने आते ही SSP साहब ने 1 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़वा दी, उसके बाद इतना बड़ा देह व्यापार और जो कैसीनो चल रहा था उस पर आपने रेड मारी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, उनका दबाव कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव है कि इन लोगों को बचाया जाए। हमारी उनसे मांग है निष्पक्ष जांच इसमें हो, साफ प्रमाण साक्ष्य जो है सबको विदित है, पूरे शहर को पता है कौन संचालन करता है, कौन उनके पार्टनर है, कौन साइलेंट पार्टनर है। तो अवश्य पुलिस को अगर खुलासा जब करने का समय आए तो पुलिस को निष्पक्ष होकर अपना कार्य करना चाहिए, हमारा उनसे आग्रह है।